हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्लांटिंग हाइट्स। आज मैं आपको एक ऐसे पौधे के बारे में बताने वाली हूँ जिसकी ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती। ये देखिए, मेरा मैक्सिकन पिटूनिया का प्लांट है। ये समर सीजन का प्लांट है। समर सीजन में इसमें फ्लावर्स बहुत अच्छे आते हैं, बहुत ही ज़्यादा ग्रो करता है। इसमें फरवरी टू अक्टूबर तक इसमें फ्लावर्स खूब अच्छे आएंगे। ये देखिए कितने एकदम बंच में फ्लावर्स आते हैं इसमें। और उसके बाद विंटर्स में इसमें फ्लावर्स नहीं आते, सिर्फ लीव्स ही लीव्स आती हैं। ओके, और इसके सॉइल मिक्सचर की बात करें तो इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप चिकनी मिट्टी में भी इसे लगा सकते हैं और रेतीली मिट्टी में भी आप इसे लगा सकते हैं। वैसे तो मैंने इसमें रिवर्स एंड वर्मी कंपोस्ट और गार्डन सॉइल का मिक्सचर बना के यूज़ किया है। वेल ड्रेन्ड है। रिवर्स एंड से ये होता है कि मतलब पानी इसमें रुकेगा नहीं, ड्रेन हो जाएगा। तो मतलब पानी अगर रुकेगा तो इसकी जड़ें खराब हो जाएंगी, तो पौधा मरने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर पानी ड्रेन हो जाएगा तो पौधा ठीक रहेगा, सिर्फ जड़े जड़े गीली होनी चाहिए। अगर इसमें वाटरिंग की बात करें तो ज़्यादा पानी की इस प्लांट को ज़रूरत नहीं होती। वैसे तो आप अगर एक दिन भी भूल गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये मरेगा नहीं। एक दिन छोड़ के एक दिन आप पानी दे सकते हैं। अगर आप दो दिन भी अगर कोई है बस ये मुरझा जाएगा, और जैसे ही आप इसमें पानी देंगे ये वैसे ही फिर दोबारा इसकी पत्तियाँ देखिए एकदम ऐसी बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएंगी। ये बिल्कुल लेस केयर प्लांट है, इसकी ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती। और ये इसमें फ्लावर्स जो है ना, ये देखो कितने बंच में बहुत सारे एक साथ में बहुत सारे फ्लावर्स आते हैं, और सिर्फ एक ही दिन के लिए ये रहते हैं। और फिर दूसरे दिन ये देखिए ऐसे गिर जाते हैं, ये अपने आप ही गिर जाते हैं। और ये फ्लावर्स जो ये इसमें मिट्टी में गिरते हैं, ये सेल्फ सीडिंग प्लांट है, और इन्हीं में सीड्स होकर ये और भी ज़्यादा प्लांट्स आएंगे इनमें, क्योंकि मिट्टी में ये गिरे रहेंगे, हम इन्हें हटाते नहीं है। ये देखिए ये सेल्फ सीडिंग प्लांट है, ये सीड आपको दिख रहा होगा, ये इसमें गिरा है, और इससे ही आपको और ज्यादा प्लांट्स मिलेंगे। देखिए इसके फ्लावर्स की पेटल्स देखिए कितनी थिन है, ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, एक सेकेंड, ये देखिए कितनी थिन है, बहुत ही थिन है, बहुत ही सुंदर प्लांट है, आपके गार्डन की शोभा बढ़ाता है। बहुत ही सुंदर फ्लावर्स आते हैं इसमें, और इसमें कई सारे शेड्स आते हैं, जैसे वाइट थोड़ा आता है और लाइट पिंकिश में आता है। मेरा ये पर्पल है, मेरे पास एक ही प्लांट है, और मैं अभी और सारे प्लांट्स लेके आऊंगी और दिखाऊंगी आपको उसके बाद। ये प्लांट बहुत ही सुंदर प्लांट है, आप इसे हैंगिंग प्लांटर्स में भी लगा सकते हैं, बहुत सुंदर लगता है। ये एक सन लविंग प्लांट है, ये सन जितना ज्यादा धूप इस प्लांट में पड़ेगी उतने ही ज्यादा फ्लावर्स इसके खिले रहेंगे, और शाम तक इसके फ्लावर्स गिर जाते हैं जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। और अब हम इसके फर्टिलाइजर की बात करें तो इसमें हर 15 डेज में आप फर्टिलाइजर डाल सकते हैं, जैसे वर्मी कंपोस्ट वगैरह, बस ज़्यादा और किसी जरूरत की चीज़ों की जरूरत नहीं है। आप इसमें काउ डंग का यूज़ ना करें क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है, जिससे इसमें फ्लावर्स नहीं आएंगे आपके, सिर्फ लीव्स ही लीव्स आएंगी। अगर आप अपने गार्डन की शोभा बढ़ाना चाहते हैं तो इस प्लांट को ज़रूर लगाएं, ये अपने गार्डन में बहुत ही सुंदर लगेगा आपके गार्डन में। और जो बिगिनर्स हैं जिनको अभी केयर की, जैसे प्लांट की कैसे केयर करनी है, कौन सी खाद इसमें डालनी है, तो आप इस प्लांट को लगा सकते हैं। इसमें ज़्यादा खाद की ज़रूरत भी नहीं होती, और ये आपको फूल रोज देगा, रोज फूल इसके गिरते हैं, रोज नए नए फूल्स आते हैं। ये देखिए मेरे इसमें कितने सारी बर्ड्स आ रही हैं, ये देखिए ये सारे जो जितने भी बर्ड्स हैं ये सब कल खिलेंगी, और रोज बंचेज में इसमें फ्लावर्स आते हैं, बहुत ही सुंदर लगता है। और मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगी, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।